नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता और आपका पढ़ेगा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और खुशखबरी लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं, आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। वो कौन सा अपडेट है? तो दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक में अब से अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ये दोस्तों आप स्क्रीन शॉट को देख सकते हो। अब आपको दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों इंडियन बैंक आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। साथ ही दोस्तों आपको घर बैठे ही डेबिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। सो इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक में हम जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। देन कैसे दोस्तों हम आपको वीडियो केवाईसी आपको करना होगा। साथ ही दोस्तों आपको चेकबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की आपको फैसिलिटी कैसे मिलेगी, ये सब दोस्तों हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जैसे आप इस बैंक में अकाउंट को ओपन करते हो, इंस्टेंट ही दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे आप एप्लीकेशन को भी यूज कर पाओगे। तो है ना दोस्तों कमाल की बात। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। और सबसे पहले दोस्तों अपडेट पाने के लिए बैंकिंग से रिलेटेड आपको हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों अपडेट हमारे चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कैसे हमें इंडियन ओवरसीज बैंक में जीरो बैलेंस घर बैठे हम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। आप दोस्तों घर बैठे ही इंडियन ओवरसीज बैंक में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि एक न्यू फीचर हाईलाइट हो रहा है सेक्शन में, इसी के सामने आपको वीडियो केवाईसी पोर्टल देखने को मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक में दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए मात्र आपको 2 से 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। आप देख सकते हैं कि फुल्ली पेपरलेस अकाउंट रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आपको ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी आपके घर पर ही मिल जाती है, घर पर ही सेंड कर दिया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंट ही आप जो है इसकी बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर दोस्तों हैं और आप इंडियन ओवरसीज बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो, देन दोस्तों यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी, इनबॉक्स पर आपको चेकआउट कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों आप लेट स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपको ब्रांच को अलाउ करना होगा, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप में सेविंग के अकाउंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप कौन सी ब्रांच में अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो, जो भी ब्रांच होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, कैप्चा इस बॉक्स में फिल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को आप आई एग्री कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर टाइप किया हो उस पर एक ओटीपी जाएगी, तो मोबाइल वाले कॉलम में ओटीपी को फिल करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल वाली हमारी ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है, ऐसे ईमेल वाली ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। दोनों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपलोड पैन कार्ड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस बॉक्स में अपने पैन नंबर को डालेंगे, इस बॉक्स में आप अपने आधार नंबर को डालेंगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ओटीपी को डालेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आपको फिल करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी डेट होगी वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी दोस्तों आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका कंट्री नेम, आपका जेंडर मिल जाएगा, सिटी ऑफ रेजिडेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। और दोस्तों जो भी आपकी सिटी ऑफ रेजिडेंट हो वो अपने एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रिलीजन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, अपने रिलीजन को सेलेक्ट करेंगे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपने फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। मैरिड है, सिंगल है या फिर मैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप जेंट्स का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर वाइफ का नाम डालेंगे, अगर लेडीज का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर वाइफ का नाम डालेंगे। इसके बाद में सोशल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। कौन सी कास्ट है आपकी वो दोस्तों आपको देख लेना है और सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रेजिडेंटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट करेंगे।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे, ग्रेजुएट हैं अंडर ग्रेजुएट हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप काम क्या करते हैं वो दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कई कैटेगरीज मिल जाती हैं, आप स्टूडेंट हैं क्या हैं वो दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन मिलेगा क्लिक करेंगे, आपकी इनकम दोस्तों कहां से आ रही है वो दोस्तों आप देखेंगे और अपनी इनकम को सेलेक्ट करेंगे, टोटल दोस्तों जो भी आपकी इनकम हो यहां पर डालेंगे, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पर्पज ऑफ अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा क्लिक करेंगे, कौन सा आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो हमारे केस में हम सेविंग्स अकाउंट को ओपन करेंगे, यहां पर एनुअल इनकम डालने के बाद में इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है वो यहाँ पर दोस्तों शो हो जाएगा, इसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है नॉमिनी का, आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके बटन पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी का ऐड डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या रिलेशन है वो डालेंगे, एज डालेंगे, एड्रेस आधार वाला ही है तो यहाँ पर चेकआउट करेंगे, वही एड्रेस फिल हो जाएगा, अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते तो नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर देंगे, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। परमिशंस कैमरे के लिए अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, सेल्फी के लिए तो आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से दोस्तों आपको परमिशन दे देना होगा सेल्फी कैप्चर करके, फोटो कैप्चर हो जाएगी, इसके बाद में ऑथेंटिकेशन पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारे पीसी का कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं था तो फोटो हम कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, और दोस्तों बड़ी ठीक से आपको फोटो को कैप्चर करना, हमें भी दोस्तों बहुत सा टाइम लग गया है, तो आपको ठीक से दोस्तों फोटो को कैप्चर कर लेना है, इसके बाद में जैसे दोस्तों फोटो आपका कैप्चर हो जाता है, फोटो सेल्फी खींच जाती है, उसके बाद में दोस्तों आपको इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अदर बैंकिंग सर्विसेज का। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, पर्सनल डेबिट कार्ड चाहिए, आपको चेकबुक भी चाहिए, तो हमें सारी चीज़ें दोस्तों चाहिए, तो इसलिए हमें इनबॉक्स पर आपको चेकआउट कर देना है। सभी दोस्तों बॉक्स पर चेकआउट करने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट के बटन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद में दोस्तों जो हमने फोटो कैप्चर किया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको फोटो को कैप्चर कर लेना है, ठीक है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, देन यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी डिटेल आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को फिल करा हुआ है वो सारी यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले हो जाएगी, और यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक सब में दोस्तों एसएस हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स पर आपको चेकआउट कर देना है। अभी दोस्तों अगर आपने जो फॉर्म भरा हुआ है कुछ अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर बैक टू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक के एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट आप कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है और थैंक यू का मैसेज मिल चुका है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक डाउनलोड एप्लीकेशन पीडीएफ का ऑप्शन मिल गया, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें यहाँ पर मिल चुकी है, आप देख सकते हैं, ये इसे दोस्तों आप प्रिंट भी कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसे हम प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। इसके बाद में नीचे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी का, अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट कॉल नाउ का, दूसरा मिल जाता है शेड्यूल फॉर लेटर का, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे शेड्यूल फॉर लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप लाइव वीडियो केवाईसी देखना चाहते हैं कि कैसे वीडियो केवाईसी होती है तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर हम यहाँ पर तब तक की शेड्यूल फॉर लेटर कर देते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे कैसे आप वीडियो केवाईसी को कर सकते हो, तो हम शेड्यूल फॉर लेटर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दोस्तों आपके सामने कैलेंडर एक ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर किस दिन अपनी केवाईसी को कम्प्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे 20 तारीख को दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेंगे। केवाईसी कब हम करेंगे तो केवाईसी का भी दोस्तों आपको यहाँ पर टाइम डिस्प्ले हो जाएगा जब भी दोस्तों आप केवाईसी करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम शाम का समय सेलेक्ट कर लेते हैं, शाम का, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगा और यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से घर बैठे इंडियन ओवरसीज बैंक में आप वीडियो केवाईसी करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।
घर बैठे ही दोस्तों कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो सके तो सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है।